ट्रेनों में आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत बीती रात प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर मुखबिर द्वारा सूचना मिलने पर शातिर चोर 160 ग्राम नशीले पदार्थ के साथ पकड़ा गया। शातिर चोर सुभान अल्लाह कुरैशी पुत्र अब्दुल हमीद कुरैशी निवासी देवकली गोपालपुर थाना गोला जनपद गोरखपुर का निवासी है, जो अकेले ही ट्रेनों में चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था। पकड़े गए अभियुक्तों के पास से लाखों के सामान बरामद किए गए हैं। अभियुक्तों के पास से 3 बैग 46 पिट्ठू बैग पुराने इस्तेमाल किए गए कपड़े कंबल साड़ियां टोपी ताला चाबी मफलर आईडी कार्ड आधार कार्ड पासपोर्ट कार्ड बैंक पासबुक सहित अन्य वस्तुएं बरामद हुई। बुधवार को घटना का खुलासा करते हुए क्षेत्र अधिकारी रेलवे प्रकाश राय ने बताया। खिलाड़ी है कहे शर्मा रहे हो खड़े रहो ऐसे ही खड़े रहो इधर देखो भाई इधर हाँ सामने सामने खोलो तो महाराणा प्रताप के पास पकड़ा गए थे और कितने कल 2 बजे दिन के आसपास 1 बजे वहाँ पर पाली के जाने का टाइम था। उस समय किसी मुखबिर ने सूचना दिया इंस्पेक्टर जीआरपी और आरपीएफ इंस्पेक्टर को कि एक संदिग्ध व्यक्ति बार बार डिब्बों में घुस रहा उतर रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये लोग तत्काल उसको चेक किए तो उसके पास से एक बैग तो मिला हरे रंग का जिसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स और किताब कापी और सर्टिफिकेट वगैरह थे। वो बैग मौके पर मिला उसके पास से। वो बैग परसों उसने चुराया था देवरिया से बरौनी कटिहार से और इसके पास से अल्परा जो पाम मिला जो नशीली दवाएं पाउडर खिला करके ये यात्रियों को लूटते हैं वो मिला। उसके बाद इससे जब गहन पूछताछ की गई तो बताया कि साहब करीब 2-3 साल से ट्रेनों में अकेले चोरी करते हैं और बैग वगैरह तमाम सामान कपड़े हमारे घर पर पड़े हुए हैं। इसका नाम है सुभान अल्लाह कुरैशी पुत्र अब्दुल हमीद कुरैशी ग्राम देवकली थाना गोला जिला गोरखपुर। फिर टीम यहाँ से पूरी फोर्स वहाँ गई इसके घर की तलाशी ली गई तो उसमें 74 अदद बैग मिले जिसमें 7 अदद ट्राली बैग हैं 3 सूटकेस हैं 46 पिट्ठू बैग हैं और 18 सामान्य बैग हैं और कम से कम आधा दर्जन आधार कार्ड लोगों के मिले हैं 3 आदमियों के पासपोर्ट मिले हैं और ये इनकम टैक्स कार्ड जो होता है ये कम से कम आधा दर्जन है चेकबुक मिले हैं डीएल मिले हैं। अब उन डीएलों के कागज़ों के आधार पर अब इसका कहना है कि हम 2-3 साल से हमें याद नहीं किस ट्रेन में कौन सी चोरी की है हमने 1-2 चोरी तो की नहीं है कि इसको याद हो। सब जो कागजात मिले हैं उनके आधार पर हम ट्रेस करेंगे पता करके क्योंकि उसमें पते हैं आधार कार्ड में पता है इनकम टैक्स कार्ड में पता है चेकबुक में पता है कि कहाँ की घटना है कि कौन आदमी से प्रभावित है उसे संपर्क करेंगे विवेचना के क्रम में फिर इसको लिंक करेंगे हम। ये करीब जो सामान बरामद हुए इसके घर से इसकी कीमत करीब 1.25 लाख रुपये है और ये बहुत बड़ा शातिर चोर है ये अकेले चोरी करता था। इस टीम को हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय तो नहीं है उनसे वार्ता हुई उन्होंने कहा कि 5,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा घोषित कर दीजिएगा।